उत्तराखंड के रामनगर में रहने वाले 7 वर्षीय सुमांश डंगवाल ने मुंबई में डांस दीवाने कार्यक्रम में फाइनलिस्ट के तौर पर डांस दीवाने का खिताब जीता है। डांस दीवाने का खिताब जीतने के बाद सुमांश डंगवाल गाजियाबाद में अपने रिश्तेदारों के घर पर पहुंचे तो सुमांश से मिलने के लिए घर में लोगों का तांता लग गया। सुमांश के माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बच्चा इस तरह से उनका नाम रोशन करेगा और इतनी कम उम्र में डांस दीवाने प्रोग्राम में फाइनलिस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम का खिताब भी जीतेगा। सुमांश के पिता इंडियन आर्मी से रिटायर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, जबकि 7 वर्षीय सुमांश दूसरी कक्षा में पढ़ता है और रोज लगभग 10 घंटे डांस की प्रैक्टिस भी करता है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने सुमांश से पूछा कि फिल्म स्टार्स के सामने डांस करने में आपको कैसा लगा, तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। उत्तराखंड के रामनगर से सुमांश डंगवाल ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि NCR या यूं कहें मुंबई तक अपना लोहा मनवा दिया है। हमारे साथ मौजूद है सुमांश डंगवाल, से बात कर लेते हैं। बेटा छोटे से हो और इतना बड़ा धमाल, क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसकी वजह से फाइनली तो बन गया, बहुत सारे वोट दिए, ये मोस्ट पॉपुलर जोड़ी में बन गया। कौन सा प्रोग्राम जीता है? मैं डांस दीवाने में फर्स्ट जनरेशन में मैं गिन किया हूँ, वोट की वजह से, आपके वोट की वजह से मैं इतना आगे तक पहुँचा। अच्छा सुमांश ये बताओ, डांस दीवाने तुमने जीता है, ये बताओ कि तुम छोटे से हो कितनी घंटे सीखते हो, क्योंकि डांस जो हमने देखा वो ऐसा है जो छोटे बच्चे नहीं कर पाते अमूमन तौर पे, बड़े बड़े नहीं कर पाते, लेकिन तुमने वहाँ धमाल मचाया धर्मेंद्र जी के सामने, माधुरी जी के सामने, क्या कहा उन लोगों ने और कितने किस तरीके से रहा है सफर? पहले तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ 13-14 घंटे, 12 सुबह 8 बजे से चले जाते हैं और रात को 11 बजे। कितने करते हो प्रैक्टिस? मैं एक तो पहले मेरे अरुण सर थे और मैं यहाँ पर आया, मैंने इतनी नई नई चीज़ें सीखी, मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मैं इतनी नई नई चीज़ें सीखूंगा। अच्छा और सुमांश ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो? मैं सिक्स्थ। और बच्चे क्या कहते हैं साथी जो है? और साथी अभी तो स्कूल जाने पे पता चलेगा जब मैं डांस करूंगी। बात तो होती होगी फोन पे? नहीं बात, अभी बात नहीं होती है। अच्छा सुमांश ये बताओ कि मदर फादर कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मम्मी डैडी सपोर्ट करेंगे तभी तो सुमांश आगे जाएगा, है ना? अच्छा ये बताओ क्या खिलाती है? नॉर्मल खाने से कोई बच्चा इतना बढ़िया डांस कर सकता है क्या? चक्के छोड़ोगे सबके? अच्छा अच्छा ये बताओ धर्मेंद्र जी ने क्या कहा था डांस, जब तुमने तुम्हारा डांस देखा था? तुम तो बहुत प्रोफेशनल डांसर हो, ऐसा मैंने देखा ही नहीं, बड़े बड़े भी नहीं कर पाते हैं। तो ये वो धर्मेंद्र हैं जो कि फिल्म स्टार हैं, जो कि बड़े फिल्म स्टार हैं, नंबर 1 फिल्म स्टार हैं। उन्होंने छोटे से मासूम 7 साल के बच्चे को ये कहा कि इसने स्टेज पर, ना सिर्फ स्टेज पर बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दिया। अच्छा ये बताओ कि जब तुम डांस कर रहे थे उस दौरान माधुरी जी भी साथ में थी, क्या कभी ऐसी हेजिटेशन हुई है कि हम इतने बड़े बड़े स्टार बैठे हैं सामने? थोड़ा सा नर्वस बन हुआ है। अच्छा सुमांश जी बताओ कि डांस दीवाने की बड़ा प्रोग्राम था और उस दौरान और भी लोग थे जो कि जीतने वाले, तुम्हें लगता होगा कि कौन तुम्हें टक्कर दे रहा है बड़ी? मुझे सोहेल पीयूष भैया। अच्छा तुमसे बड़े थे वो? हाँ। लगता था कि वो टक्कर गए हैं, लेकिन तुम फर्स्ट नंबर पे आए हो, उम्मीद थी? नहीं उम्मीद नहीं थी, मैं फर्स्ट जनरेशन। हाँ ये बताओ बेटा, जैसे सुमांश है, सुमांश ने इतना अच्छा डांस सीखा है और डांस किया है, उसके बाद नंबर 1 पे आया है इतने सब बच्चों को पीछे करते हुए, तो लगता है कि सुमांश जैसा बनना है? हाँ, करता है देखिए। हाँ, करता है। बिटर राव, क्या नाम है तुम्हारा? जिंदा इधर आओ। आगे नहीं ये बताओ कौन सी क्लास में हो तुम? थर्ड में। अच्छा ये बताओ सुमांश में, सुमांश को देख के लगता है कि सुमांश के जैसा बनना है, डांस सीखना है, कुछ करना है? क्या क्या लगता है? सुमांश की जैसे सब बच्चे बनना चाहते हैं, ये क्या हुआ? क्योंकि सब बच्चों को देख रहे हैं तुम्हारे हम उम्र तो आए हैं और ये सभी कह रहे हैं कि सुमांश जैसा बनना है, क्या क्या करना पड़ेगा सुमांश जैसा बनने के लिए?
थोड़ा सा रिहर्सल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बस। आ जाएगा टक्कर दे पाएगा कोई? तो ये सोमांश है जो कि अभी मासूम बच्चा है, नहीं जानता, क्योंकि बच्चे बड़े साफ दिल के होते हैं। और ये सोमांश तो मात्र 7 साल का है। कुल मिलाकर सोमांश ने डांस दीवाने का खिताब जीता है। अब ऐसे में सोमांश तो पूरे इंडिया का चहेता बन गया है। हालांकि अब सभी को उम्मीद है कि सोमांश डंगवाल जिस तरीके से उत्तराखंड NCR बल्कि मुंबई में भी परचम लहरा चुका है, आने वाले समय में सोमांश के उज्जवल भविष्य की सभी कामना कर रहे हैं। राजवा से जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।